हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी डिवाइसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब हमें नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम जिन मशीनरीज की या जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं तो उन डिवाइसेस को हम कनेक्टिविटी डिवाइसेस कहते हैं। सो कनेक्टिविटी डिवाइसेस बेसिकली जो आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से पढ़ने हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं विच इज मॉडेम। मॉडेम का मैं आपको वर्किंग प्रोसेस भी बता चुकी हूँ और उसके टाइप्स भी बता चुकी हूँ कि कितने तरह के होते हैं। आपको सिर्फ उसका वर्किंग प्रोसेस ही एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है हब। हब का सिंपल सा मीनिंग हम देखें तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ये एक सेंट्रल अटैचमेंट होता है। मतलब अगर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में हमें कनेक्ट करने हैं तो हम उन्हें आपस में कनेक्ट ना करते हुए हब से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते ना करते हुए हब से कनेक्ट कर देते हैं तो हब एक सेंट्रल अटैचमेंट बन जाता है। दैट मीन्स सारे कंप्यूटर्स जाकर उस हब से कनेक्ट हो रहे हैं। सो हब एक तरह का वो डिवाइस है जिससे आप कई कंप्यूटरों को एक साथ एक ही प्लेस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपोर्ट कार्ड होता है। मल्टीपोर्ट कार्ड मतलब हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, वो पोर्ट्स अलग अलग कंप्यूटर्स को आप हब से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कंप्यूटर की जो पोर्ट्स होते हैं, जो प्लग्स होते हैं, मशीन वो जो पिन्स होती है उन्हें आप हब से कनेक्ट करते हो, हब के पोर्ट से कनेक्ट करते हो। तो इसलिए हब एक तरह का मल्टीपोर्ट कार्ड है जिसमें कई तरह के पोर्ट्स बने होते हैं जिससे आप कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। हब फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को, मतलब हब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को पैकेट्स के फॉर्म में क्रिएट करके उस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है, उन पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। इसके अंदर ईमेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी फाइल्स और जो दूसरी चीजें होती है वो इंक्लूडेड होती है, और प्रिंट रिक्वेस्ट इस तरह की चीजें इंक्लूडेड होती है। सारी इन्फॉर्मेशन को पैकेट्स में कन्वर्ट करके देन उन पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, जिससे अगर एक कंप्यूटर ने हब पर रिक्वेस्ट भेजी है या हब के थ्रू हब पर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी है तो वो बाकी सारे अटैच्ड कंप्यूटर्स पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। बेसिकली हब हमें 3 तरीके के देखने को मिलते हैं, मतलब हब को हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला होता है एक्टिव हब, दूसरा होता है पैसिव हब और तीसरा होता है इंटेलिजेंट हब। एक्टिव हब की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट होते हैं जो नेटवर्क पर जो मशीनरीज होती है उनके बीच रहने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। एक्टिव हब मतलब इनको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका वर्किंग प्रोसेस और टाइप्स बताने, बट एक्टिव हब पैसिव हब समझने वाली चीज है। एक्टिव हब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उन पर नेटवर्क के मशीनरीज के बीच रहने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें एम्पलीफाई करता है, जिसे हम सिग्नल रीजनरेशन भी कहते हैं। और सिग्नल रीजनरेशन होता है तो वो बार बार कंप्यूटर्स पर भेजा जाता है। दैट मीन्स अगर बीच में कहीं सिग्नल ब्रेक भी हुआ है तो वो रीजनरेशन के कारण इजीली उस डिवाइस या उस कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। दूसरा है पैसिव हब। तो पैसिव हब में कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट नहीं होते हैं, ये किसी भी तरह के सिग्नल को प्रोसेस नहीं करता। मतलब एक्टिव हब सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, पर पैसिव हब सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और सिग्नल को रीजनरेशन करता है, मतलब सिग्नल का रीजनरेशन करता है, सिग्नल को बार बार रीजनरेट करके सेंड करता है। पर एक्टिव हब में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। इसका केवल एक एम होता है, इसका केवल एक उद्देश्य होता है, कई नेटवर्क केबल सेगमेंट से मिलने वाले सिग्नलों को मिलाना, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें आपस में कंबाइन करना। पैसिव हब को आप छोटे एरिया में यूज करते हो और एक्टिव हब को आप बड़े एरिया में यूज करते हो।
मतलब जब आपका कनेक्शन, आपकी नेटवर्किंग छोटी होती है तो आप पैसिव हब को यूज करते हो, और जब आपकी नेटवर्किंग बड़ी होती है तब आप एक्टिव हब को यूज करते हो। और जो तीसरा टाइप है आपका इंटेलिजेंट हब, तो इंटेलिजेंट हब हम कह सकते हैं कि एक्टिव हब का ही एनहेंस्ड मॉडल है। मतलब एक्टिव हब को ही हम अगर बहुत बड़े नेटवर्किंग पे यूज करना चाहे तो उसके लिए हम एक्टिव हब यूज ना करते हुए इंटेलिजेंट हब का यूज करते हैं। एक्टिव हब सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, बड़े नेटवर्क के लिए यूज होता है, बट अगर उस नेटवर्क से भी कोई बड़ा नेटवर्क है लाइक मैश टॉपोलॉजी हो गया, ट्री टॉपोलॉजी हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हो जाते हैं, तो यहां पर फिर हब एक्टिव हब का यूज ना करते हुए हम इंटेलिजेंट हब का यूज करते हैं, जिससे कि वो उन सारे नेटवर्क्स के फंक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सके। सो यहाँ पे आपका हब का टॉपिक फिनिश हुआ। सिंपली आपकी इसमें वर्किंग प्रोसेस आ गई, टाइप्स आ गए, और मैंने आपको टाइप का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।